दोस्तों, क्या राहुल गांधी की एक गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई गारंटियों पर भारी पड़ेगी? क्या राहुल गांधी का ये गेम चेंजिंग आइडिया इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की झोली में 24 करोड़ वोट डालने की क्षमता रखता है? और यहां मैं आपको साफ कर दूं कि राहुल गांधी की ये गारंटी कोई चुनावी जुमला नहीं है, जर्मनी से ली गई एक गारंटी है। जर्मनी में जो काम हो रहा है, क्या भारत में काम नहीं हो सकता? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। अब सीधा आते हैं मुद्दे पर। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान न्याय की बात कर रहे हैं, तो ऐसी दो न्याय गारंटियां वो पहले दे चुके हैं। एक न्याय गारंटी ये है, उनका कहना है कि कांग्रेस अगर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट सत्ता में आया तो वो किसानों का साथ न्याय करेगा। किसानों के साथ न्याय किस रूप में करेगा? एमएसपी को लीगल राइट बनाया जाएगा और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप किसानों को एमएसपी दी जाएगी। दूसरी वो न्याय की बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना कराई जाएगी, जिससे ओबीसी एससी एसटी की वास्तविक संख्या पता लगेगी, उसके हिसाब से योजनाएं होंगी, तो उनके साथ न्याय होगा। अब राहुल गांधी एक बहुत बड़ा आइडिया लेकर आए हैं, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारों के साथ न्याय करना है। राहुल गांधी अपनी बातों पर, अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि 40 सालों में जितनी बेरोजगारी इस समय है उतनी कभी नहीं रही पिछले 40 सालों में। बांग्लादेश हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, उससे ज्यादा बेरोजगारी की दर भारत में है, वो ये कहते रहे हैं। लेकिन लोग सवाल उठाते रहे हैं कि भाई ये तो हम सुन रहे हैं, बेरोजगार भी कहते रहे, लेकिन आप बताइए, सत्ता में आए राहुल गांधी जी तो आप क्या करेंगे बेरोजगारी दूर करने के लिए? तो इस पर राहुल गांधी एक नया आइडिया लेकर आए हैं, जो आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है, जो जर्मनी में काम करता है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान, यानी व्यावसायिक शिक्षा के दौरान, कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना, अप्रेंटिसशिप कराना, उसमें स्टाइपेंड भी देना, एक साल के लिए स्टाइपेंड देना, ये इस योजना पर काम हो रहा है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को आत्मसम्मान उनका थोड़ा बढ़ सके, बेरोजगारों को लगे कि हाँ उनके उनको काम का कोई हक मिल रहा है, राइट टू जॉब एक तरह से। यानी कोई आदमी डिमांड करेगा कि मुझे जॉब चाहिए तो भारत सरकार, यानी अगर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट सत्ता में आता है तो भारत सरकार यह श्योर करेगी कि एक साल के लिए उस लड़के को, जो लड़की को, जो भी काम की डिमांड करेगा, जॉब की डिमांड करेगा, उसको अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, एक साल के लिए स्टाइपेंड दिया जाएगा। दरअसल ये जर्मनी में ऐसा होता है। जर्मनी में ये जो है, मैं आपको अखबार में पढ़ के सुनाता हूं, ड्यूल एजुकेशन मॉडल है, दोहरा शैक्षणिक मॉडल है एक तरह से, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम को आपस में जोड़ा गया है। यानी आप कोई व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जैसे मिस्त्री का कोई कोर्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का, या कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें आप कोर्स भी करते रहिए और कोर्स करते करते के दौरान आपको कंपनी विशेष में ऑन द जॉब ट्रेनिंग में रखा जाएगा। तो ऑन द जॉब आपकी ट्रेनिंग होगी, वोकेशनल कोर्स उधर खत्म हुआ, उधर आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गई, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा और जिसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और एक साल बाद उसी कंपनी में आपके लिए नौकरी का एक मौका मिल जाएगा। भी कंपनी भी देखेगी कि एक साल से बंदा हमारे यहाँ काम कर रहा है, चाल चलन कैसा है, काम किस ढंग से हो रहा है, और अगर वहां पद रिक्त हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो उस जैसी किसी अन्य कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। इसमें प्राइवेट क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाएगा और जो निजी क्षेत्र है उसका सहयोग भी लिया जाएगा, और सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो सरकारी उपक्रम है उनकी भी मदद ली जाएगी। इससे क्या फायदा होगा? इससे
बेरोजगारों को काम मिलेगा, बारहवीं कक्षा जो पास बच्चे हैं उसके बाद में वो डिग्री करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, उन वो किसी भी वोकेशनल काम कार्य में करना चाहें उसके लिए उनको एक साल का अप्रेंटिसशिप मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी और नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत सारी बढ़ जाएंगी। भारत में ये कोई नई बात नहीं है, एक 1961 का अप्रेंटिसशिप एक्ट है, लेकिन वो अप्रेंटिसशिप एक्ट अभी लोग ढंग से लागू नहीं करते। इसको अगर नए कानून का रूप दिया जाएगा और राइट टू जॉब के रूप में परिवर्तित किया जाएगा तो निजी कंपनियां हो चाहे सरकारी कंपनियां हो, सब बाध्य हो जाएंगी, एक तरह से मैंडेटरी हो जाएगा। इससे आशा बढ़ेगी, बेरोजगारों में आत्मसम्मान की अनुभूति होगी, साल भर जॉब मिलने की संभावना बढ़ेगी। और इससे कनेक्ट क्या होगा, राहुल गांधी का बेरोजगारों से, युवाओं से कनेक्ट हो जाएगा। 18 से 19 साल का फर्स्ट टाइम वोटर इस देश में 1.84 करोड़ है, 1,84,00,000 है। मोदी जिसके लिए नारा लेकर आए हैं पहला वोट देश के लिए, तो पहला वोट देश के लिए, और यहां पर राहुल गांधी लेकर आए हैं पहला वोट जो हमको देगा, वोट के बदले में एक साल का स्टाइपेंड मिलेगा, एक साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, नौकरी का एक तरह से गारंटी टाइप हो जाएगी। इसके अलावा 20 से लेकर 29 साल का करीब 21.5 करोड़, यानी 21,50,00,000 वोटर है जो बेरोजगारी से त्रस्त है। 2 साल पहले बेरोजगारी दर 6.6 थी, जो भारत सरकार कहती है कि पिछले साल जुलाई में यह घटकर 5.1% हो गई। ये जो पीरियडिक लेबर फोर्स है उसका आंकलन किया जा रहा है, लेकिन देश में 14 राज्य ऐसे हैं जहां पर एवरेज जो महंगाई बेरोजगारी दर है उससे कहीं ज्यादा बेरोजगारी दर है, इस बात को भी भूलना हमें नहीं चाहिए। तो ये गेम चेंजिंग आइडिया क्या हो सकता है, जब योजना आयोग हुआ करता था मनमोहन सिंह के टाइम में, तो 2004 से लेकर 2014 के बीच में इसी तरह गैर सरकारी क्षेत्र में 75,00,000 नौकरियां हर साल क्रिएट की गई थी। अब पिछले 10 साल में कितनी नौकरियां क्रिएट कर गई की गई मुझे नहीं पता, मुझे तो इतना सा पता है आपकी तरह कि 2014 में मोदी जी ने वादा किया था सत्ता में आए तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी, अब तक 20 करोड़ नौकरियां हो चुकी होती, कितनी नौकरियां मिली हैं कितनी नहीं मिली हैं ये कहना आज की तारीख में आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो जर्मनी का जो मॉडल है भारत में किस ढंग से अमल में लाया जा सकता है, क्या क्या चीजें इसमें और जोड़ी जा सकती हैं, इस पर विचार किया जा रहा है कि भारतीय कंडीशन के अनुसार क्या किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही राहुल गांधी ने सचिन पायलट की एक चीज मान ली है। आपको ध्यान होगा कि जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी और पर्चे लीक हो रहे थे तो सचिन पायलट ने जो 3 मांगें उठाई थी उसमें एक मांग थी कि जिनको परीक्षा लीक के कारण जिनको बच्चों को नुकसान उठाना पड़ा, फीस का नुकसान उठाना पड़ा, आना जाना वहां पर खर्चा हुआ उनका परीक्षा देने जाने के लिए, वहां आने जाने में परिवहन का दूसरे खर्चे हुए, तो ऐसे लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। अब राहुल गांधी का कहना है कि अगर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट सत्ता में आया तो परीक्षा लीक के मामले में मुआवजा दिया जाएगा छात्रों को। अभी मोदी सरकार एक सिस्टम लेकर आई है, नया कानून लेकर आई है जिसमें परीक्षा लीक के कानून को सख्त किया गया है, आर्थिक दंड भी बढ़ाया गया है, सजा की प्रावधान भी ज्यादा सख्त किए गए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि चूंकि तंत्र तो वही करने वाला है, तंत्र ही बाबू ही तो है इस तंत्र में, पुलिस ही तो है जांच करने में, और यही लोग आपस में तंत्र के मिले जुले लोग हैं, तो ऐसे में परीक्षा लीक से तो मुक्ति नहीं पाई जा सकती चाहे कितना भी सख्त कानून हो। आखिर इस देश में हत्या पर फांसी का कानून है फिर भी हत्याएं तो होती हैं, सामूहिक रेप पर भी फांसी का कानून है लेकिन सामूहिक रेप होते ही हैं, तो इस तरह सख्त प्रावधान करने से परीक्षा लीक को रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर मुआवजा दिया जाएगा छात्रों को तो छात्रों को कम से कम तसल्ली होगी कि परीक्षा जो लीक हुई वो रद्द हो गई और उनका खर्चा जो था वो उनको वापस मिल गया, भरपाई हो गई। तो ये बड़ी चीजें हैं दो जो देखना पड़ेगा कि कितना कामयाब होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में किस रूप में लेती है, कांग्रेस के दूसरे जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं इस योजनाओं को किस रूप में लेते हैं, इसका प्रचार प्रसार किस रूप में होता है,
कहने को तो राहुल गांधी 2019 में न्याय योजना भी लेकर आए थे, जिसमें कहा गया था कि देश के सबसे गरीब 20% आबादी को 72,000 रुपए साल के दिए जाएंगे, 6,000 रुपया महीने का दिया जाएगा, लेकिन उसको वो स्पष्ट नहीं कर पाए थे, क्लियर नहीं कर पाए थे। अब मानकर चलना चाहिए कि वो बेरोजगारों की जब एक बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ अल्टरनेट भी देंगे, ब्लूप्रिंट भी तैयार हो जाएगा अगले कुछ दिनों में, और वो भी सामने रखा जाएगा कि कैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो जाएगी और वोकेशनल एजुकेशन से यानी व्यावसायिक शिक्षा से लेकर रोजगार तक एक सुगम सा रास्ता हो जाएगा कि आप व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो साथ ही साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हो रही है, अप्रेंटिसशिप भी हो रही है, आपको एक्सपीरियंस भी हो रहा है, आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है, आपको अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद नौकरी की संभावना उसी कंपनी में या उस जैसी किसी कंपनी में बढ़ रही है, तो ये एक सुगम रास्ता हो जाएगा। ये क्या वाकई में गेम चेंजिंग आइडिया है? मोदी जी इसका क्या तोड़ निकालेंगे? ये देखना अपने आप में दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। एक बार फिर आग्रह है, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। ट्विटर यानी एक्स पर मैं विद्रोही7 के नाम से हूं, विद्रोही विजय विद्रोही मेरा पेज है, फेसबुक पर पेज है विजय विद्रोही, जहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।